सबों को फिर से प्रभु यीशु के नाम पर हम अभिवादन देते हैं। जय यीशु। फिर से हम प्रभु के वचनों को हम लेकर आए हैं आपके पास, क्योंकि प्रभु का वचन, हर एक वचन हमें शक्ति, आनंद, शांति हमें प्रदान करता है। विशेष करके हम सभी युवक युवतियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु का वचन। वचन हमें, खुद वचन ने हमें सिखाता है। संदी योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में वचन में संदी योहन पवित्र आत्मा द्वारा लिखते हैं, युवकों तुम शक्तिशाली हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है, तुमने दुष्टों पर विजय पाई है। प्रभु का वचन हमें निवास करता है, इसलिए तुम शक्तिशाली हो, हमें योहन सिखाता है, योहन के द्वारा पवित्र आत्मा बताता है। इसलिए प्रत्येक वचन हमें शक्ति प्रदान करता है, प्रत्येक वचन हमें आनंद, प्रत्येक वचन हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसलिए हम सभी युवक युवतियां, हम सभी इस युवावस्था में हम सभी लोग एक ही चीज के पीछे, हम कुछ चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं, आनंद, शांति, शक्ति। आज का युवक युवतियां, हम सब लोग शक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपना हम क्या है ये चीज को लोगों को बताना हम चाहते हैं। हमारे पास कितना शक्ति है, हमारे पास कितना टैलेंट है, बोलने का टैलेंट होगा, करने का खूबी या जो भी खूबी, हम ये सब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि लोग समझे कि मैं कुछ हूँ। आप और हम सभी युवक युवती यही का मनोभाव रखते हैं कि मुझे लोग देखें, मुझे लोग समझें कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, इसलिए वो दिखाने का हम कोशिश करते हैं लोगों को। लेकिन वो सारे चीज जब हम दिखाने का कोशिश करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता। ये सब देख कर भी कई लोग इस संसार, कई लोग इसको अनदेखा कर डालता है, क्योंकि हम जो दिखाते वो हमसे भी कोई दिखा के पहले ही चला जा चुका है। हम अपने शक्ति को दिखाता होगा, लेकिन इससे भी हमसे भी अच्छा अच्छा शक्ति दिखाने वाला कई युवक युवतियां लोग दिखा के चला गया। हमारा टैलेंट, हमारे को भी ये सब दिखाया, लेकिन हमसे भी पहले ये सब दिखा के कई लोग चला जा चुका है। लेकिन प्रभु जब हमें कहता है युवक तुम शक्तिशाली हो, ये ऊपरी शक्ति नहीं, प्रभु हमें ये शक्ति, प्रभु का वचन जिसके अंदर में वो शक्तिशाली है, वचन कहता है जिसके अंदर में जिस युवक जिस यूथ के अंदर प्रभु का वचन है, वही सिर्फ शक्तिशाली है, वही व्यक्ति सिर्फ दुष्टों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये दुष्ट कौन है? ये दुष्ट हम युवक युवतियों को भटकाने वाला अंधकार की शक्तियां है, हमारे सेवावस्था में आने वाला प्रलोभन है, हमारे सेवावस्था में आने वाला संकट, परेशानियां और भविष्य की चिंताएं और कई प्रकार की बातें, ये सारे चीज दुष्टों के द्वारा हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए और कई तरीका से हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए शत्रु शैतान अंधकार की शक्तियां कार्य करता है युवक युवतियों को गिराने के लिए। जब एक युवक गिर जाता है, पूरा मंडली गिरेगा। एक युवक गिर जाता है, पूरा पारिस गिरेगा। यदि एक युवक खड़ा हो जाएगा, पूरा मंडली को खड़ा करने में सामर्थ्य है, क्योंकि एक युवक काफी है पूरे मंडली को, पूरे पारिस को, पूरे डायसिस को हिलाने का, क्योंकि यीशु भी एक युवक था। वो युवक अवस्था में पूरा दुनिया को हिलाया। वैसे ही यदि प्रभु का वचन आपके अंदर है, आप भी हिला सकते हैं आपके मंडली को, आपके परिवार को, आपके पैरिस को, आपके डायसिस को, पूरा आसाम को हिलाने का सामर्थ्य रख सकता है। सिर्फ वो हिलाने का शक्ति प्रभु का वचन ही आपको दे सकता है। हमारा शरीर बल, हमारे पढ़ाई, हमारा खूबियां, हमारा टैलेंट नहीं हिला सकता, लेकिन प्रभु का वचन आपके अंदर है, हिलेगा, जरूर हिलेगा। बाइबल में कितने ही लोग, अनपढ़, गवार, पढ़ा लिखा ना रहने वाला लोग, शिष्य लोग, संत पौलुस, कितने शिष्य ने इन लोगों को खड़ा के हिलाया। ये लोग जब खड़ा के प्रभु का वचन के अंदर में रहते हुए जब शक्ति प्रदान, ये हिलाया, पूरा दुनिया को हिला के रखा। वैसे आज भी इस युग में भी कई युवक युवतियां, कई माता जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनका अंदर वचन स्वीकार करते हुए कोई भी आज हिला रहा है, पूरा कलीसिया को, पूरा देश को, पूरे जगह को हिलाता है, क्योंकि वचन उनको शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आज भी कई युवक युवतियां हैं
जो बड़ी उत्साह के साथ सेवा करते हैं, पवित्रता का जीवन जीता है, पाप से दूर रहते हैं। कारण क्या है? वचन उसके अंदर है, इसलिए वो कर पा रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरे दोस्त, हमारे अंदर हम शरीर के बल से शक्तिशाली ना बने, बल्कि प्रभु का वचन आपके अंदर अंदर मिले। प्रभु का वचन जब आपके अंदर है, तब वो वचन आपको शक्तिशाली बनाए, हर क्षेत्र में, हर कार्य में आपको सामर्थ्य दिखाएगा ये वचन। इसलिए वचन में लिखा, युवको तुम शक्तिशाली हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है, और तुमने दुष्टों पर विजय पाई। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आपके अंदर में प्रभु का वचन रहे, और वो वचन आपको शक्ति प्रदान करे। उस वचन में अपना मन लगाए, वो वचन आपको शुद्ध करेगा, वो वचन आपको पवित्र करेगा, वो वचन आपके बुरी आदतों से उठाएगा, वो वचन आपको शांति, आशीर्वाद, आनंद दिलाएगा। आमीन। जय यीशु मसीह।